क्वेश्चंस करना था आपके ऊपर। इस बात की रिस्पेक्ट कि तुम्हारे हमारा देश सबसे है, उसके बाद हमारे देश का कमांडोस और उसके बाद सबसे पहले तुम लोग बिना कुछ पूछे ही आपकी आंखें बयां कर रही है कि बहुत कुछ हो रहा है सीन में, जब कब नहीं पता आपकी आंखें नम है, there's redness in your eyes, क्या कुछ हो रहा है। हो बहुत कुछ रहा है, मुनामी को पता चल गया है कि इतने दिन से जो कारण परेशान था उसकी वजह क्या है। वो मिशन पे जा रहा है एंड ही इज़ वरीड कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि मुझे शायद इन चीज़ों की आदत नहीं है। यू नो, कमांडो की गर्लफ्रेंड होना इजी नहीं होता, किसी सोल्जर की वाइफ या गर्लफ्रेंड होना इजी नहीं होता, तो इसीलिए करण वरिड है मुनामी के लिए और वो मुनामी से ये बात कह देता है। तो ये जो सीन हम कर रहे हैं वो इसके बारे में कि मुनामी कैसे करण को स्ट्रेंथ देती है, इस बात का यू नो विश्वास दिलाती है कि वो उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है एंड उसका प्यार जो है वो हमेशा उसके साथ रह के उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसे वापस आना ही होगा। जैसे हमने देखा हाथों में हाथ डाले हुए सीधे ले रहे हो आप, बट आपने करण के हाथ में कुछ चीज भी दी है, उस बारे में बताइए क्या क्या क्या। वो मेडल है करण का, जो करण का पहला मेडल जो उसे मिला था, जो उसकी भाभी ने मुनामी को यानी कि मुझे दिया है, तो उस मेडल को यू नो साक्षी मान के प्रॉमिस करके उस मेडल को हाथ में रखकर, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू डू, तो वो प्रॉमिसेस कर रही है करण से कि यू नो क्या क्या वो करेगी आगे, you know, किस तरह का भरोसा वो किस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर सकता है मुनामी से। मुनामी ऑब्वियसली अपसेट है, बट उसको पता है कि ऐसे अपसेट रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ट्रबलिंग करण एंड स्टफ। कभी भी किसी भी तीसरे इंसान को हमारे बीच नहीं आने दूंगी, तुम पर हमेशा।